भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। जैसे अगेन हनुमान जी ने भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए पूरा समुंदर लांग दिया और सीता मैया को ढूंढ निकाला। और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही रावण को नहीं मारा, नहीं तो हनुमान जी में इतनी भी शक्ति थी कि रावण को वहीं मार सकते थे और रावण को कंधे पर डाल के ले आते, लो जी आपका काम खत्म, एक तरफ सीता मैया और एक तरफ रावण, अब आपको कुछ ज़्यादा रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे दी एंड हो गया। मैं समुंदर पार करके चला भी गया और रावण को भी ले आया और सीता जी को भी ले आया। बट भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना भगवान चाहते हैं उतना हमें सेवा करना चाहिए, या जितना गुरु चाहते हैं उतना हमें सेवा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके दिखा दूँ तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एप्रिसिएशन की कामना से हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कार्य कर रहे हैं तो वो आसुरी मेंटेलिटी है, वो नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव हमारी चेतना पर ठीक नहीं पड़ता है। तो जब तक हमें ये याद रहेगा कि हम जो भी कार्य कर पा रहे हैं वो भगवान की इच्छा से भगवान के द्वारा इंटेलिजेंस और शक्ति प्राप्त करके ही कर पा रहे हैं तो वो कार्य ठीक रहेगा और उसका क्रेडिट लेने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि क्रेडिट किसका है? भगवान का है। लेकिन जहाँ हम अपने मन से अपनी इच्छाओं से कार्य करने लगेंगे और फिर उसमें सफलता मिलने लगेगी तो सारा क्रेडिट अपने आप को देंगे। सक्सेस ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती जिसमें हम अपने आप को डूअर मानने लगते हैं। जैसे मैंने बताया एक्चुअली तो हम डूअर हैं नहीं, हम कुछ और ही हैं, लेकिन अगर हम डूअर मानते रहेंगे तो एक ना एक दिन अपना स्वरूप निकल आएगा सामने, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम डूअर नहीं हैं, हम कुछ और हैं। तो ब्रह्मा जी को ये बात बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कितना भी कर लो, कितना भी सर्ग कर लो, कितना भी विसर्ग कर लो, लेकिन सब कुछ हो तो रहा है भगवान की इच्छा से, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तो वो भगवान से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी दी हुई शक्ति, आपकी दी हुई क्षमता से मैं क्रिएशन का कार्य करूँगा तो सही, लेकिन इतना कृपा मेरे ऊपर करिएगा कि कहीं मुझे ये भ्रम ना हो जाए कि कर्ता मैं हूँ। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अहंकार के वश में आके एक मूर्ख जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है, वेरस करने वाला तो सब कुछ मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरीके से भगवद गीता पढ़ी है, उसके सारे श्लोक भी याद हैं उनको, तो उनको पता है कि मूर्ख जीवात्मा नहीं बनना है मुझे, मुझे भगवान की सेवा करनी है और इस प्रकार से सेवा करनी है कि मैं उसमें अपने आप को कर्ता ना बांध बैठूं। तो हो सकता है हमें 1.5 लाख रुपए का टारगेट मिला फंड कलेक्ट करने का और हमने 3 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए हों, लेकिन उसमें हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। हमें यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से भगवान ने कुछ डोनर्स भेज दिए जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए मुझे लक्ष्मी दे दी और वो लक्ष्मी से मैंने टारगेट अचीव कर लिया और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर ली। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जब चाहूँ मैं पैसे कलेक्ट करके ला सकता हूँ तो भगवान बहुत जल्दी शीशा दिखा देते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऐसा बहुत कुछ बहुत बार होता है, कई बार कभी भी अगर ये सोच लो कि मैं तो बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, उस दिन एक बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और हाथ की हाथ रियलिटी सामने आ जाती है कि अच्छा मैं बहुत तो सोच रहा था मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आज तो एक भी बुक नहीं गई। प्रभु जी ऐसा होता है या नहीं होता? होता है भाई, सबका एक्सपीरियंस होगा। कोई
दो दिन बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कभी कहीं एक बार हम गए थे क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने, तो हम गए दो तीन लोग थे और फटाफट एक डेढ़ घंटे में पूरी कार्टन बुक्स चली गई। हमें लगा अरे बड़ा अच्छा आज तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हम लोगों ने, तो बड़ा अच्छा एरिया है, हम लोगों की पिच तो बड़ी अच्छी है। अगले दिन चार कार्टन लेके गए कि चार कार्टन क्लियर करके आएंगे, वहाँ न्यू ईयर का मेला लगने वाला था, चार की चार कार्टन एज इट इज वापस आ गए, एक किताब नहीं गई अगले दिन। तो हमें समझ में आया कि हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, भगवान की अहेतु की कृपा होती है तो भगवान किसी को भेजते हैं हमें हेल्प करने के लिए, या हमसे सेवा एक्सेप्ट करते हैं किसी ना किसी बहाने से। तो आप देखो 50 लोगों को जा जा के आप पिच करो, आधा आधा घंटा समझाओ भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवत गीता की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लेनी चाहिए भगवत गीता, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैनुअल है, ये है वो है, वो बुक नहीं लेगा। और आप खड़े रहो खाली किताब पकड़े, कोई आके बोलेगा आप भगवत गीता दे रहे हो, कितने की है, अच्छा इतने, लोग पैसे निकाल के दे देता है और भगवत गीता ले जाता है। होता है ऐसा नहीं होता, किसने भेजा उस व्यक्ति को? और हम तो पीछे पड़ रहे थे किसी के आधा घंटे से कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन वो नहीं ले रहा था, सारा ज्ञान हमारा निचोड़ के चला गया लेकिन बुक नहीं ली। परंतु भगवान हमें कई बार दिखाते हैं कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, लेकिन क्योंकि हम माया अप्रहत ज्ञान, हमारा ज्ञान जो है माया के द्वारा ढक दिया गया है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमने फेस्टिवल कर लिया, या हमने प्रचार कर लिया, या हमने कॉन्ग्रीगेशन बना ली, या हमने बहुत अच्छी टीम डेवलप कर ली, या हमने बहुत बड़ी सेवा कर ली, ये सब भ्रम है। हम नहीं होंगे तो भी ये सब ऐसे ही चलने वाला है, और हम हैं तो भी ये सब ऐसे ही चलने वाला है। भगवान हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनाते हैं, जो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला ना कि मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करने वाले तो आप ही हो। तो जो भी कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसे ये सोचकर ही करना चाहिए कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए मुझे वो कार्य करना है। तब जो सक्सेस आएगी वो हमारा दिमाग खराब नहीं करेगी, और वो एटर्नली हमें हैप्पीनेस दे पाएगी, हमें एटर्नली आनंद दे पाएगी। तो कई बार ये बात सुनने के बाद भी हम लोगों को याद नहीं रहता, तो कई बार पूछते हैं कि क्या करें जो हमें ये रिमेम्बरेंस रहे कि हाँ भगवान इज द डूअर, वी आर नॉट द डूअर, भगवान करता है हम करता नहीं हैं। तो इसके लिए एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सफाई, आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। तो अगर कोई व्यक्ति सफाई को अपने जीवन में अपना ले तो फिर वो हमेशा याद रखेगा कि आई एम नॉट द डूअर, लॉर्ड इज द डूअर। जैसे हम कोई भी कार्य कहीं पर कर रहे हो, हम प्रसाद बनाते हैं कभी कभी तो अब बोलते हैं प्रसाद बन गया अब सफाई कर दो, किचन ठीक कर दो, या यहाँ पे बहुत सारे क्लास हुई, बहुत सारे लोग आए, उसके बाद वाइंड अप सेवा होती है कि चलो वाइंड अप कर दो, वाइंड अप मतलब सफाई। तो सफाई मतलब SFAI मतलब कुछ भी कार्य आपने कर लिया तो उसके बाद SFAI सफाई करना आवश्यक है। सफाई मीन्स C, S for C, F for Faults, A for Analyze, I for Improvements, C, Faults and Analyze, Improvements। जो आपने कार्य किया उसमें क्या कमी रह गई उसको देख लो, क्या अचीव किया इसको देखने के बजाय देखो क्या कमी रह गई, भगवान की सेवा और कैसे मैं अच्छी कर सकता था, और मैं क्या एफर्ट डाल सकता था जिससे वो कार्य और अच्छा हो सकता। तो सी फॉल्ट्स की कहाँ कहाँ कमी रह गई, कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो गई, क्या क्या मैं और अच्छा कर सकता था, क्या मैं और अच्छा नहीं कर पाया, वट आर माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, एनालाइज इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट्स को एनालाइज करके रखेंगे और अपने फॉल्ट्स को हमेशा याद रखेंगे तो हमें ये एप्रिसिएशन लेने की इच्छा रहेगी नहीं, क्योंकि इतने सारे तो फॉल्ट्स हैं सामने,
एप्रिसिएशन की इच्छा तो तभी होती है ना जब मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य सिद्ध कर दिया। तो जब हम अपने फॉल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सक्सेस पे कम फोकस करेंगे तो हमें ये बात याद रहेगी कि करने वाला एक्चुअली कोई और है, मैंने तो इतनी सारी गलतियाँ कर दी हैं जिन गलतियों को मुझे नेक्स्ट टाइम सुधारना है। तो अगर हम सफाई का प्रोसेस साथ में रखेंगे तो जितनी बार हमें भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतनी बार हम और बेटर सेवा कर पाएंगे विद राइट कॉन्शियसनेस एंड राइट मेंटालिटी। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भगवान मुझे कभी भी ऐसा बोध ना हो जाए कि मैं अपने आप को कर्ता मान बैठूं, क्योंकि कर तो आप ही रहे हो। मुझे तो ये देखना है कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया और मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अगर इसके ऊपर हम अपने कार्यों को फोकस रखेंगे तो हमेशा इम्प्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि भौतिकवादी लोग भी ये कहते हैं और कहावत भी है कि कभी भी कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता है, सब में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता ही है। वो डिपेंड करता है किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन इम्प्रूव तो हमेशा किया जा सकता है। और भगवान की सेवा तो ऐसी है कि भगवान की सेवा को तो हमेशा ही इम्प्रूव किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और श्रीमती राधा रानी इज़ दी पर्सोनिफाइड सर्वेटर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कि वह भगवान की हमेशा और अच्छे से सेवा करना चाहती हैं और बढ़ चढ़कर सेवा करना चाहती हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कई वरिष्ठ भक्तों से दैट शी डजंट रिपीट व्हाट शी कुक्स फॉर कृष्णा। तो एक बार जो डिश बना दी वो डिश दोबारा रिपीट भी नहीं करती हैं, शी इम्प्रूव्स एंड कुक्स समथिंग एल्स। तो हमेशा इम्प्रूवाइजेशन होता रहना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी। तो हमें ये लगता है कि भगवान की सेवा कुछ मिल गई है तो हमें उसमें ही अच्छे से इम्प्रोवाइज करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो साधना हमारे गुरु ने हमारे अथॉरिटीज़ ने हमें बताई है वो भी भगवान की ही सेवा है, उसको भी इम्प्रोवाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो 10 साल हो गए एक ही तरह से माला घिसते घिसते, परंतु तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर वो भगवान की सेवा अच्छे प्रकार से नहीं हो रही। तो जिस प्रकार से मैं 2 साल पहले माला करता था और आज मैं जिस प्रकार से माला करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब मैं सफाई के कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आया। तो सफाई करते रहेंगे तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स दिखता रहेगा और उसको और अच्छा करने का हम प्रयास करते जाएंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये भावना आती जाएगी कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो कैसे काम चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो सेंटर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो श्रीमद् भागवतम का लेक्चर कौन देगा, मैं नहीं होऊंगा तो आरती कौन गाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या जो भी सेवा, मैं नहीं होऊंगा तो प्रसाद कैसे बनेगा। लेकिन सबके ना होने से सब कुछ होता है। हमें सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन या हमें इस बात के लिए निमित्त बनाया गया भगवान के द्वारा कि हम कैसे उस सेवा को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उस सेवा को और अच्छा कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपनी अथॉरिटीज़ की प्रसन्नता के लिए। तो जब हमारे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आई एम दी निमित्त ओनली जिसको इस सेवा को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, अपना वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए बनाया गया है, तो फिर हमारा इंटेंशन, हमारा मेंटेलिटी, हमारा भाव हमेशा सही रहेगा और हम उस अच्छे भाव से भगवान की अच्छे प्रकार से सेवा कर पाएंगे। तो यही ब्रह्मा जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है, आप लोगों के कुछ सजेशन हो, कमेंट हो तो आप लोग दे सकते हो।